केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज होने वाली महंगाई हटाओ महारैली में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता और पदाधिकारी जयपुर के लिए रवाना हुए। अजमेर शहर से 180 निजी वाहनों तथा 50 से अधिक बसों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, पुष्कर, मसूदा, भिनाय, विजयनगर, सांवर, सरवाड़ सहित अन्य जगहों से भी कांग्रेसी जयपुर गए। अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, जिले के प्रभारी भीष्म शर्मा एवं सह प्रभारी राजीव चौधरी के निर्देशानुसार तैयारियां की गई। शहर के जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों ब्लॉक से कांग्रेस नेता कार्यकर्ता महारैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए। अजमेर क्लब चौराहे से कांग्रेस नेता राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में भी कांग्रेस पार्षद सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बसों में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हुए। कांग्रेस नेता राजकुमार जयपाल ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को सफल बनाने के लिए उनके नेतृत्व में कई पार्षद और कार्यकर्ता पदाधिकारी रवाना हुए हैं, जिससे कि इस रैली में बड़ी संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाया जा सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस तरह देश की जनता त्रस्त है महंगाई को लेकर, महंगाई हटाओ महारैली जयपुर में आयोजित होने जा रही है। उस रैली के अंदर जो हमें एक टारगेट दिया था 5000 व्यक्तियों का, उस 5000 से अधिक व्यक्ति जो हमारे अजमेर शहर से जा रहे हैं और लोगों के अंदर उत्साह है। लोग परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरह मोदी जी अमित शाह जुमले दे दे के लोगों को गुमराह किया इन्होंने, इन्होंने जात पात पर इन्होंने लोगों को महंगाई बहुत हो गई है सस्ता कर देंगे, डीजल महंगा और पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, दालें महंगी, खाने का तेल महंगा। आज जिस तरह आज एक जो आम आदमी को खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, इधर तो कोविड महामारी के अंदर जो है लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार के जुमले भी दिए इन्होंने कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। आज मोदी जी को 7 साल हो गए, लोग समझ चुके हैं और आज की जो रैली है एक आगाज होगी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। जिस तरह पूरे भारत देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आह्वान के ऊपर आज जयपुर में महंगाई हटाओ रैली का महाआयोजन किया गया है, जिसके अंदर पूरे देश से करीब 4 से 5 लाख लोग वहां पर महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इसका जिम्मा जयपुर राजस्थान को दिया गया था, जो रैली जयपुर के अंदर आयोजित हो रही है और सभी कांग्रेसियों के अंदर बहुत उत्साह है। पूरे अजमेर सारी विधानसभा क्षेत्र से करीब 12,000 कार्यकर्ता हमारे सोनिया जी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जयपुर में जा रहे हैं और आने वाले समय में ये परिणाम का आगाज होगा कि किस तरह से मोदी सरकार को उखाड़ के ये जनता फेंक देगी। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? कार्यकर्ताओं में आप देखें कितना उत्साह है और सभी सुबह 7 बजे से ही जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और आज रैली यहाँ से हमारे अध्यक्ष श्री विजय जैन साहब के नेतृत्व में यहाँ से रवाना हो रही है। हमारी लोकप्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के आह्वान पे जो अभी भारत में महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है और जो महंगाई बढ़ रही है उसके विरोध में AICC ने जो सोनिया जी के आह्वान से हम रैली निकाल रहे हैं जयपुर में, उससे अजमेर में अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस जन जयपुर जा रहे हैं और वहाँ पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।